सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। इसमें फर्स्ट एमसीक्यू, इन व्हाट ईयर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन फ्रांस, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष में हुई थी। ये आपको बताया भी था, इसका सही आंसर है 1789। तो 1789 पर टिक लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच इवेंट गेव द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वेलिटी। किस घटना ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना की विचारधारा दी। ये किसने दी इसी चैप्टर से संबंधित, तो यही चैप्टर आएगा, आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रांसीसी क्रांति ने हमें क्या दिया, लिबर्टी, फ्रीडम और एंड इक्वेलिटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों चीज हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने, तो 20 का आंसर होगा। थर्ड, विच फैमिली वाज रूलिंग इन फ्रांस व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। फ्रांस की क्रांति जब हुई तो वहाँ किस राजवंश का शासक था, किस राजवंश का राज्य था या वहाँ पे किसका शासन था। आपने पढ़ाई होगा तो इसमें चार आंसर आपको मिलेंगे। सही आंसर है बुर्बो, द बुर्बो फैमिली, बुर्बो परिवार का वहाँ पे या बुर्बो वंश का वहाँ पे शासन था। नेक्स्ट है, हु वाज द रूलर ऑफ फ्रांस इन 1789। 1789 में फ्रांस का शासक कौन था, इनमें से कौन था, लुईस फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। तो सबको जानकारी है लुईस सिक्सटीन था उस समय, लुईस 16 उस समय फ्रांस का शासन था जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी पेड ऑल द टैक्सेस। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था, बताइए। जब पढ़ा आपने तो इसमें फर्स्ट सेकंड दो स्टेट नहीं चुकाते थे, केवल थर्ड स्टेट ही टैक्स देता था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फ्रेंच फिलोसोफर हु सेड दैट देयर इज सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रूलर एंड द पीपल। किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि सत्ता संभालने से पहले शासक और लोगों में एक सामाजिक समझौता हुआ। किसने कहा ये, रूसो ने, तो रूसो इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे नेम द फिलोसोफर हु प्रपोज ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया, मोंटेस्क्यू ने, तो सही आंसर है इसका मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट नाम की वो सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन था, रूसो। ये दिया हुआ है आपका 20 में सही आंसर होगा। 9, हु वाज द ऑथर ऑफ द पंपलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। निम्नलिखित में से तीसरा स्टेट क्या है और उसका लेखक कौन था, ठीक है, अबू सॉय। ये अबे सॉय थर्ड स्टेट का लेखक था, जो तीसरा स्टेट उसने लिखा ओबे सॉय। इसको ये आपकी बुक में जब पढ़ाया था तब अंडरलाइन भी कराया हुआ है। इसके बाद, ऑन विच डेट द एजिटेटेड क्राउड ऑफ फ्रांस स्टॉर्म्ड द बास्टिन जेल। कौन सी तिथि को फ्रांस की क्रोधित भीड़ ने बास्टिल जेल नामक जेल पर धावा बोल दिया। सबको पता है 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई
1789 को, क्या किया, बास्तील नामक जेल में जाकर के वासी जो भीड़ थी वो घुस गई थी। नेक्स्ट, हु वाज द एडिटर ऑफ द पेपर कॉल्ड एमी ड्यू पेपन, ला एमी ड्यू पीपन नामक पत्र संपादक कौन था? इसमें जो है दिया हुआ है, चार आपके पास ऑप्शन है, तो जा पाल मरा इसका सही आंसर रहेगा, यानी बी आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज ए सी पटरे, किस, ये राजदंड इसका हिंदी में अर्थ है, किसका प्रतीक है ये जो राजदंड होता है वो किसका प्रतीक होता है? सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये सिंबल ऑफ एटर्निटी, नॉलेज, यूनिटी ऑफ स्टीम। तो इसका आंसर फर्स्ट रहेगा, पहले वाला इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, फ्रांस का राष्ट्रीय गान बताया हुआ है आपको अंडरलाइन, ठीक है, मार्सिले इसका राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द असेंबली विच वाज कॉल्ड इन फ्रांस 1792 को फ्रांस में, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1782 है ये, 92 में जिस सभा का चुनाव हुआ वह कौन सी थी? चार आपके पास ऑप्शन है, कन्वेंशन, जनरल असेंबली, डायरेक्टरी, नेशनल असेंबली। इसमें चारों में कन्वेंशन इसमें आंसर आएगा। एक है आपका जो दिया भी गया है बुक में, विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर, रीजन ऑफ टेरर आतंक का शासन, किसको, कौन सा काल था जो आतंक का शासन कहा गया, वो था 1793-1794। उसके बाद हु वाज द ग्रेटेस्ट कन्वेरर ऑफ फ्रांस, फ्रांस का सबसे महान सेनापति किसको माना गया है, सबको पता है नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है। अब इसके बाद नेम द बैटल विच सेल्ड द फेट ऑफ फ्रांस इन 1815, 1815 की कहाँ किस जगह लड़ाई में जो है फ्रांस हार गया था, कहाँ, सबको जानकारी होनी चाहिए, बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में फ्रांस वहाँ से हार गया था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हारा था। तो ये आपके एमसीक्यू है कुछ, और बहुत सारे हैं, जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें से अच्छे तरीके से स्टडी करके करेंगे आप।